हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नवल, आप देख रहे हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने एक माइनिंग रिग तैयार किया था, और वो माइनिंग रिग मतलब मैं उसके अलावा और भी बाय करना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी मेरे पास उतनी सारी एक्सपर्टीज नहीं है जिसकी वजह से मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उसी पर काम कर रहा था और मैंने थोड़ा बहुत मतलब ट्राई किया। देखो अगर हम लोग कैफे वाले में जाए, मैं ऊपर वाली सीढ़ी पहने चढ़ने लग गया, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी मेरे को ये अनलॉक करना है धीरे धीरे। तो जैसे ये होगा तब जाके हम लोग ज्यादा माइनिंग रिग बाय कर पाएंगे। मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारा काम किया, मैंने 2-3 और सिस्टम बाय किए हुए हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले वो जो बैगर था ना, जो मुझसे पैसे मांग रहा था $1500 बॉम्ब के लिए, मैंने उसको दिया और 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं मतलब, उसने उड़ा डाला पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब हमारा कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा कैफे थोड़ा अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि मेन यही कॉम्पिटिशन था, क्योंकि इसके पास हर टाइप की चीजें थी और मैंने अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। बट अब मुझे लग रहा है कि सब काम बहुत सही तरीके से होने वाला है, और मैं आपको अपना पैसे भी दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे। अभी मेरे पास $10,500 है मेरे पास, और यहाँ पे हमेशा की तरह काम सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आज का जो मेन गोल होने वाला है ना, आज तो मैं अपना इंटरनेट कैफे आराम से चलाने वाला हूँ, क्योंकि जो वो वाला काम था ना जिसमें मैं सिर्फ क्रैक्ड वाली जो गेम्स है वो सेल कर रहा था, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, और मैं वो उतना ज़्यादा करना, भले ही पैसे है लेकिन अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा इनकम हम लोग जो कर रहे हैं वो हो रही है हमारी। ये बंदा क्या होता है, इतना ढीठ जाता नहीं यहाँ से। तो हम लोग ना ये माइनिंग रिस्क से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इनको अनलॉक करना चाह रहा हूँ तो इनको अनलॉक करने के लिए मुझे अपना कैफे तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से अनलॉक हो सकता है। तो आज का यही करने वाला, सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि अपना कैफे ऑन कर लेते, कंप्यूटर ऑन कर लेते, कैफे ऑन कर लेते, उसके बाद मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। अब जाके मैं जो भी पीसी बाई कर रहा हूँ, एटलीस्ट पीसी मतलब कंप्यूटर वगैरह चीजें, मैं एकदम हाई स्पेक्स वाली चीजें बाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और ज्यादा महंगी चीजें बाई करके कस्टमर भी खुश हो रहा है, गेम्स भी खेल पा रहा है। मैंने गेम्स सारी बाई कर डाली, तो मतलब स्ट्रीम में जितनी भी सारी गेम्स ना, सारी की सारी मैंने बाई कर ली है। अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, एक बार दिखाता हूँ कहाँ पे हमारा स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे जितने भी गेम्स है मेरे पास, इससे फायदा बहुत हो रहा है, कस्टमर इससे ज्यादा देर तक रह रहा है और मुझे भी फायदा हो ही रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी हो चुकी है। एफ दबाता हूं एक बार, इसको करते हैं क्रिप्टो में, और मुझे लगता है एफ हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई शॉप में आएगा पता तो चलेगा। इसको फुल स्क्रीन करते हैं। तो अभी मेरे पास, अभी तक मैंने 1 बिटकॉइन तो कमा लिया होगा, लेकिन मैं पहले ही उसको बेच दे रहा हूं, तो इसलिए अभी भी मैंने बेच दिए, ज्यादा हुए नहीं थे। इसको हटाते हैं यहाँ से, कैफे खोल दिया है तो कस्टमर आना स्टार्ट। अभी ये देखो एक बंदा ये है, इससे भी ज़्यादा मुसीबत की जड़ ये है, ये ना पता ही नहीं चला मतलब ऐसे तूफान की तरह आ रहा है और यहाँ पे बवाल मचा के चला जा रहा है, क्योंकि 2 बार ये बंदा अंदर आके मतलब एक होता ना बिजली से भी तेज चलता है, बंदा अंदर आके फट जा रहा है, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि जब तक समझ में आए कि क्या कुछ करना है, क्या करना है। तो सेंसर भी मेरे ऐसे हैं कि सेंसर से भी तेज चल रहा है बंदा, सेंसर भी बाद में खुल रहे हैं, ये पहले निकल जा रहा है, तो बड़ा खतरनाक है। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक बॉडीगार्ड हायर करने वाले हैं। ओके, तो मैं गार्ड हायर कर सकता हूँ, एक सेकंड मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, पोटेंशियल कस्टमर। ओके, ये पांडा, ये तो मैं समझ गया जो बाद में आएगा, और क्लीनर, वो ऑटोमेटिक क्लीनर अभी तो नहीं, बाउंसर मुझे चाहिए। नाइट नॉन पेइंग कस्टमर्स, ओके ये तो नॉन पेइंग कस्टमर को तो मैं हायर, ये वाला मेरे को लगता है कि मेन अटैक वाला मेरे को चाहिए ना मेन। ओके, ये अभी मैंने कर लिया, और टिप्स तो मैं संभाल ही ले रहा हूँ, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। ये मैं जरूर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे, और मैं सिस्टम भी ज़्यादा बाई करने वाला हूँ। एक सेकंड पे पैसे, अभी रुक जाओ, ये भाग गया। अभी तो मैंने एम्प्लॉय हायर किया, पहले निकल लिया से। रुक जाओ यार, कहाँ चले जाओ। अबे यार वो निकल लिया, वो बंदा दे रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने बहुत देर तक लिया नहीं ना, वो चले गए उसमें। $466 बहुत ज़्यादा। एक सेकंड, ये बल्ब यहाँ से हटा के यहाँ पर लगाते हैं इनके सर पर। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बंदा मैंने हायर किया हुआ है, एक तो पांडा मेरा कब आएगा, पांडा कहाँ गया मेरा। ओके, तो जो ये बंदा है, ये जो मेरा गार्ड है, ये यहाँ क्यों खड़ा हो रहा है यार, इसको आगे खड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एक और रिक्वेस्ट आई क्या, कोई एक और रिक्वेस्ट आई हुई है, पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही चीज़ें कि जो बंदा है उसको हायर कहीं और होना चाहिए, वो कहीं और हो रहा है। चलो देखते हैं कि प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि मेनली उसका जो काम है, जो एक तो चोर आता है उसको हटाना है, दूसरा बंदा है जो, एक सेकंड ये कहाँ पर आएगा, कहाँ काम तो कर रहा है, ठीक है काम कर रहा है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन काम कर कहाँ रहा है। मेरे को मेन ये देखना है कि इससे बचाएगा ये चोर और इससे ये बंदा, मेरे को अगर नहीं बचाया ना इसने, इसको मैं लात मार के भगाने वाला हूँ, क्योंकि ये बंदे को मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पे। और मेरा वो जो कस्टमर बुलाता है वो तो शॉप के आगे बुलाता है ना। एक सेकंड, यहाँ कहाँ दूर है वो, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, बट कुछ तो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बंदा अब देखो ये कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अरे नहीं ऐसे नहीं चलने वाला, ये फ्री में मतलब ऐसा क्या, धर्मशाला खोल रखा है मैंने, सब लोग फ्री में आके यहाँ पे
बिना पे किए एक और भाग रहा है, एक और भाग रहा है। उसकी गलत बंदे को पड़ गई, ये भी गया। चलो ये काम बढ़िया है। मुझे डंडे ना पहले से रख के रखना पड़ेंगे यहाँ पे। एक और भागा ना, एक और भागा ना, एक और भागा, एक और भागा। ओके 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 ओके, भाग भाग भाग, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। $558 का नुकसान करता है मेरे को बंदा, बहुत ज़्यादा होते हैं $558। ओके तो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं था, मैंने इसे सारे के सारे एकदम बेहतरीन वाले पीसीज बाई किए हुए हैं। देखो अगर आप देखो इनके सबके सीपीयू बहुत तगड़े वाले हैं, मॉनिटर भी एकदम हाई लेवल वाले हैं। बट प्रॉब्लम ये है, एक तो ये वाली जो टेबल मैंने बाई की है बेकार है, ये वाली मेरे को एकदम परफेक्ट लग रही है, एकदम क्लीन लुक है और कुछ भी नहीं है इसमें। अपग्रेडेबल है, कैसे अपग्रेडेबल है ये पता नहीं है, देखने वाली बात होगी। बट अभी मुझे हाँ ये वाला जो मॉनिटर है ये भी मैंने रिप्लेस कर लिया था, लेकिन इसका माउस और कीबोर्ड सिंपल वाला है। एटलीस्ट कीबोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ऑफिस कीबोर्ड है इसका तो ये ऐसा ही है। और ये गार्ड काम कैसे करेगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, बचाएगा क्या मेरे को चोरी? बट मेरे को कोई फर्क, ओके ओके पांडा अगले दिन से काम करेगा। ओके ओके अब जाके काम आ रहा है पांडा हमारा। तो इसकी तो चाल तो देखो, इसके नागिन जैसे बिल्कुल ही, ये देखो। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बहुत सही है, बहुत सही है, बेहतरीन। बस ऐसे ही कस्टमर बुलाते रहना, ये कस्टमर नहीं है ये याद दिला दो। ओहो हो जबरदस्त, अरे वाह। ओके यार कोई टेंशन नहीं, तो कहीं पर भी खड़े रहे, काम अच्छे से कर रहा है, ये चीज़ मेरे को चाहिए और ये चीज़ हो रही है। चलो फाइनली मैंने कुछ डंडे लेके आता हूँ, डंडे क्योंकि ख़त्म हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं ना जैसे जैसे उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है तो तीन मैंने बाई कर लिए और ये मेरे काम आने वाले अब जाके ना मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर मार डाला उसने बहुत सही तरीके से काम करा। ओके अप्रूव करो इनको, पहले कर लेते हैं। चलो ठीक है ये सब मैं कर रहा हूँ। माइनिंग रिग मैं अभी तो बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए ये क्या देख रही है सेंसर्ड वाला। अबे यार ये क्या चीज़ देख रहा है यहाँ पे, ये मेरा कैफे बंद कराएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तो बारी आ चुकी है एक और बेहतरीन, एक या जितनी भी मैं बाई कर सकता हूँ वो बाई करने की, एक और सिस्टम बाई करने की। तो सबसे पहले सिस्टम बाई करेंगे तब जाके हम लोग चीज़ें अपग्रेड करेंगे। मुझे लग तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन यही रहा $1700 का, तो एक ये बाई कर लेते हैं। और आर्केड मशीन, एक सेकंड, एक कस्टमर भागा। अभी कहाँ गलत की दबा देता हूँ गलत टाइम पर। एक बंदा मुझे लगता है कि अप्रूव करने के लिए मेरे को हायर करना पड़ेगा, तो ना मैं एक और बंदा हायर करने वाला हूँ क्योंकि एम्प्लॉय मेरे को हर टाइप के चाहिए। वो वाला बंदा जो ओके ये तो हायर किया हुआ है ना, ये वाला बाउंसर नॉन पेइंग कस्टमर, ओके ये चाहिए अपने को, ये भी चाहिए। यार सारे कस्टमर हायर कर लिए मैंने सारे के सारे चीज़ें, बाकी जो चीज़ें अभी अनलॉक नहीं हुई है ये बार बार खुल जाते हैं मुझसे। ओके क्लीनिंग वाला काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे, एक और कस्टमर आ चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है जो मुझे बहुत सही लग रहा है। अब जाके मैं एक और सिस्टम बाई करने वाला हूँ अच्छा वाला, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास। ये मैंने ऐड टू कार्ट कर रखा था, एक और मार दिया इसने बंदा, तो फटाफट से इसको करते हैं। मेरे को गेमिंग चेयर चाहिए एक, तो गेमिंग चेयर कौन सी ले, मैं यही वाली ले रहा हूँ तो यही ले लेता हूँ अभी के लिए। ज़्यादा ये वाली बहुत ज़्यादा कलरफुल सी अच्छी लग रही, तो उसके अलावा मुझे चाहिए कीबोर्ड, कीबोर्ड भी मैं, ये भी सही है वैसे, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए, ये मुझे परफेक्ट लगा था। ओके कीबोर्ड, मॉनिटर तो यही मुझे पता है ये वाला बाई करना है, माउस भी मैं अभी ये वाला बाई करने वाला हूँ, और सब कुछ हो चुका है ना तो ठीक है। एक डेस्क डेस्क डेस्क, ओके सब चीज़ मैंने बाई कर लिया। अब जाके थोड़ा सा कस्टमर्स को देख लेता हूँ। ओके एक मार भी डाला उसने, जो बंदा मैंने हायर किया था उसने काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। घुसा घुसा, अरे अंदर कैसे घुस गया, ओह शिट कितना ज़बरदस्त तरीके से मारा है, बहुत सही काम कर रहा है, मतलब बहुत सही। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा बहुत जल्द अगर ऐसे ही काम करते रहे। चलो ये सब अपने $574 इनकम बहुत सही हो रही, बहुत तगड़ी हो रही यहाँ पे। कैमल आया नहीं अभी तक, ओके आ रहा है, हमारा सामान पहुँचने वाला है। एक बार इसको ना यहाँ से हटा के मैं रख देता हूँ यहाँ पे, वैसे मेरे को इतनी ज़रूरत तो नहीं है अभी, मुझे लगता है एक तो मेरे को बाहर ही रखना चाहिए, यहीं से उठा के मारूंगा। ओके तो सामान अपना आ चुका है, और अगर ये पांडा थोड़ा सा इधर खड़े हो जाता ना तो यहाँ से ये गली वाले लोग भी देख पाते, ज़्यादा बेटर रहता, बट कोई बात नहीं। ओके ठीक है एक और नया सिस्टम, गेमिंग चेयर। ओके अच्छा खासा अर्निंग अभी होने लगी महंगी चीज़ें बाई करने से ना, तो ये वाली जो टेबल है मेरे को बहुत पसंद आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन सा लुक आ रहा है इसको रख के, बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर अभी। ये वाला माउस पता कैसा लग रहा है, एक रॉकेट केन करके एक माउस आता है वैसा लग रहा है सेम, उसका मतलब डिजाइन ऐसा ही है। और ये तो कीबोर्ड मेरे जैसा ही है, तो कीबोर्ड भी रख लिया मैंने। एक और सिस्टम हमारा, एक सेकंड सीपीयू कहाँ है, सीपीयू मेरा गायब तो नहीं हुआ, नहीं नहीं सीपीयू मैंने, ये टेबल बहुत सही है इसमें आराम से ना जगह भी हो जा रही है आराम से। आज मुझे लगता है कि मुझे आज तो अपनी माइनिंग वाली एटलीस्ट एक तो अनलॉक कर ही लेनी चाहिए, ये भी बढ़ रहा है अपना तो ये भी सही चीज हो रही है। उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके हम ये गैम्बलिंग गैम्बलर वाला ओपन कर लेंगे, अनलॉक कर लेंगे जो मेरे किसी काम का मुझे नहीं लग रहा है कि है। तो एक बार रेटिंग देखते हैं, कस्टमर की रेटिंग 2.3 पहुंच चुकी है। ओके अब जाके मैं सबसे पहले तो अपना अपग्रेड करने वाला हूँ, ठीक है पहले तो किचन बाय कर लेते हैं, उसके बाद से एक टॉयलेट बाय कर लेते हैं, अब स्टेयर भी बाय कर लें, अब स्टेयर भी बाय कर लेते हैं, दूसरा ये बाय कर लेते हैं, और सारा ओके अब मेरे को लग रहा है अब
बहुत ज्यादा हो गया, $716 है, लेकिन किचन हमारा अनलॉक हो चुका है तो अब अच्छा लग रहा है। अरे मैं वही सोचता था कि जो बगल से ना शॉप के बगल से जो ये है, ये किसका है? ये मेरा ही तो है, ये मेरा ही है। मतलब बाहर गेट है, अंदर से गेट नहीं दिख रहा है। ये बढ़िया काम हो रखा है। मैं इसको कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर सकता, बट हाँ अब जाके ये बहुत सही हो रखा है। यहाँ पे टॉयलेट भी है। अरे वाह, अरे वाह, थोड़ा गंदा पड़ा है लेकिन काम का तो है यार। अब जो मेरे कस्टमर आएंगे ना वो बहुत खुश होकर जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हमारे पास है। और अपस्टेयर, अरे वाह, रोबोट अपस्टेयर भी जा रहा है, बढ़िया। तो अपस्टेयर में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे को कुछ लाइटिंग बाई करनी है और उसके बाद मुझे यहाँ पे कस्टमर सारे अनलॉक, इसको उनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली क्या मैंने? ओके, एक की नहीं करी, इसको कर लेते हैं अनलॉक। अब जाके अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एम्प्लॉय, अब जाके मैं ये भी हायर कर सकता हूँ, मेड ये भी बाई कर लेते हैं यार। आज तो मैंने मतलब सब कुछ ही कर डाला यहाँ पे, शेफ भी रख लेते हैं। अब बचा ही क्या है, मतलब सारे के सारे मैंने पैसे लगा दिए, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हम लोग पैसे उड़ाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे भी। अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत ना चीज़ें बाई करनी, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मुझे बाई करनी है थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह, है ना? तो लाइट कौन सी बाई की जाए जो अच्छी लगे, मतलब ये सीलिंग वाली मुझे परफेक्ट लग रही है, तो हम लोग सीलिंग वाली बाई करने वाले। इतने सारे कस्टमर बिना पे किए हुए जा रहे हैं ना, लेकिन मेरे को कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अपने बंदे लगे हुए हैं काम पे। अरे बहुत सही हो रहा है। अगर मेरे को लगा कि मेरे को ना महंगा पड़ा है तो दोबारा से मैं अपनी वही गरीबों वाली हालत में आ जाऊंगा, मतलब खुद ही सब हैंडल करूंगा। और मेरी चेयर का हाल देखो और इनकी चेयर का हाल देखो, कितना सही चेयर इनको मैंने दे रखी है। मुझे लगता है कि इस हिसाब से अगर कस्टमर आएंगे ना तो थोड़ी देर में काम करता हूँ तब तक, ताकि मैं अपने एक एक करके चीज़ें, एक सेकेंड, ऑर्डर में क्या रखा है, ऑर्डर भी आने लग गए खाने के। अरे वाह, मेन्यू 4, ओके ऑर्डर ले लिया होगा शायद उसने, लड़की ने। मेरी लाइटिंग भी आ गई है। ओके, तो एक तो मैंने लाइट ये बाई की हुई है, ये मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे। किचन में लाइट हो गई, अब जाके बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। चलो पैसे लाओ, तो एक बार देखते हैं कि 98 हो चुका है, 130 में ये अनलॉक होगा। ये वाला माइनर मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि वो 200 जितने में वो होगा ना, वो हो रहा है हमारा 220 में ये और 300 में ही, तो ये वाला पहले मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा है यार। ये तो माइनर 3 है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला हो गया ना। 3 से पहले 1 तो अनलॉक करना पड़ेगा मेरे को, तो फिर अभी इसको छोड़ते हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ अभी तो, अरे वाह, खा रहा है बंदा सीधे पेट में, बढ़िया है। ओके, तो मेरे को ना जब ये लोग यहाँ से जाएंगे, अभी दोनों के दोनों क्या देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये लड़की जा रही है, ये भी जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ आराम से, जाओ आराम से जाओ। बाउंसर बाउंसर नहीं छोड़ने वाला है। अबे यार, बढ़िया हो रहा है, ये बहुत सही हो रहा है। तो इसको निकालते हैं, टेबल को बेच के आते हैं पुरानी चीजें। लो देख लो, देख लो, देख लो, 50 रुपए का फाइन ठोकेगा वरना। चलो अच्छा, ओके, फिर भी उसके बाद भी, अबे यार मुझे लगता है कि जैसे ये बंदा आए ना, $213 की बेच रहा है इसको, $213। ठीक है, एक और बाई करनी, एक और सेल करनी मुझे, उसके बाद से मेरे शायद मेरी टेबल्स भी तब तक आ चुकी होंगी, आ चुकी है। ओके, टेबल्स आ चुकी है, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, कस्टमर तो आ रहे हैं ना मैं, अब यार ये वाला जब जाएगा तब मैं बेच पाऊंगा ना, तो पहले ही अभी के लिए ये वाला टेबल लगा लेते हैं फट से। काम तो चल रहा है अपना बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने ना पुराने वाले जो मैंने ऑर्डर किए थे लाइट बल्ब, उनको हटा के मैं कुछ और ऑर्डर करने वाला था, मैंने कर भी लिए थे, 4 के थे, सस्ते थे और अच्छे थे। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जैसे ही उसका बॉक्स अनलॉक किया, मतलब ओपन किया, और यहाँ से गायब हो गए। लास्ट टाइम भी ग्लीच हुआ था, जो मैंने चेयर मंगाई थी गेमिंग वाली, मैं उसको ओपन नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में जब मैंने बाद में गेम बंद करके दोबारा ओपन की तब वो हो गया था काम, ग्लीच होगा इसीलिए। और अभी मैं ना, चलो यहाँ पे ये लोग ये काम भी कर रहे हैं, अरे यार मेरे को यहाँ से हटने दोगे तो मेरे को कुछ और काम करना है, मेरे को कुछ लोगों को गेम की कैसेट दे के आनी है, क्योंकि वो काम इतने ज्यादा कस्टमर आ रही है, मतलब मैं यहाँ से ना हट ही नहीं पा रहा हूँ। लिमिटलेस वाले कस्टमर थोड़े ज्यादा टाइम के लिए खेल रहे हैं, और गेम डालने का भी फायदा हुआ है, मतलब लोग ना बहुत ज्यादा देर तक रह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे खासे गेम खेल रहे हैं। अभी मेरे को जाना है कस्टमर, बस पुलिस वाला ना पकड़ ले। खैर, पुलिस वाले से बचने का तरीका मैंने सीख लिया है, जैसे ही वो पकड़ेगा मैं उससे निकल के, मतलब उसको समझ भी नहीं आएगा क्या करना है उसको। तो यहाँ पे मेरे 2 कस्टमर हैं, एक छुपा होगा यहाँ कहीं झाड़ी पे, यहाँ नहीं है, ये है एक बंदा, पुलिस वाला देख रहा है मुझे वहां से। ओके ओके, समझ में आ गया, ये है। तो ये वाला काम भी ना बहुत सही है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही है कि अगर मेरे पास, ओके तो पता नहीं क्या हुआ, गेम क्रैश हो चुकी है। अब दोबारा ओपन कर रहा हूँ गेम, क्योंकि मैं सोया था नहीं, सेव तो होगा नहीं, तो मुझे बस ये टेंशन है कि अभी तक मैं मेहनत करके पैसे कमा रहा था, अभी वो कुछ गड़बड़, मैं घर पर आ चुका हूँ, मुझे कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। एक सेकंड, मेरे पास पैसे थे 4000। ओके, पैसे तो उतना ही है, और मेरी एबिलिटीज तो खैर उससे पता नहीं, मेरे को शॉप में जाके पता चलेगा कि क्या कोई नुकसान हुआ है मेरे को। पता नहीं कैसे मतलब गेम क्रैश हो गई, और मतलब अब कुछ कर नहीं सकते। लिफ्ट आ रही है क्या ऊपर? ओके आ रही है।
तो शॉप में चलते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, मतलब गेम अपने आप बीच में से बंद हो गया और मैंने रिकॉर्डिंग चेक की, पता नहीं क्या हुआ, स्ट्रीम लैब्स भी गायब हो गया था। तो वो तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग तो बची है उसकी, वरना फिर कुछ फायदा होता नहीं। लेकिन यहाँ पे ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना सब कुछ, नहीं यहाँ पे सब कुछ तो है, एक सेकेंड। अबे यार ये देखो, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर बाय किया था, एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर बाय किया था और वो गायब हो चुका है यहाँ से। उसके अलावा तो मुझे नहीं, देखो ये टेबल मैं बेच चुका था, ये कीबोर्ड ये सब मैं बेच के दूसरी ला के आ चुका था, पूरा सेटअप गायब हो चुका है। अब फिर से हमको दोबारा से काम करना पड़ेगा यार, ये बड़ा गंदा हुआ सही में, बीच में से गेम क्रैश हो गया। और इसमें ऐसा कुछ सेव करने का ऑप्शन भी नहीं, मतलब क्या सेव तो तभी होता है जब सोते हैं। मुझे लगता है कि एक बार बीच में मेरे को घर चले जाना चाहिए था, मैं काम में इतना ज्यादा मगन हो गया था कि गेम ही पूरा गड़बड़ हो गई। अभी देखते हैं कि अपने पास क्रिप्टो में कितने पैसे हैं, क्योंकि अब जाके मेरे को दोबारा से ना, मेरे को लग रहा है यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे पैसे होंगे 6000 ही है यार। तो पूरा मतलब सिर्फ ओके कैफे तो ओपन कर ही लूँ एटलीस्ट। और मुझे लग रहा है मेरे जो एम्प्लॉय मैंने हायर किए थे ना, वो भी शायद ओके ये भी सारा का सारा गायब हो चुका है। तो दोबारा से मैं सारे हायर कर रहा हूँ, तो दोबारा मैं जा रहा हूँ, जो कस्टमर मेरे आए हुए थे उनको मैंने सिस्टम अनलॉक कर लिया उन लोगों के लिए। और अब जाके देखता हूँ कि मैं ग्राफिक कार्ड कितने बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफिक कार्ड ज़्यादा चाहिए। एक बाय कर लिया, मुझे एक बार सोना तो पड़ेगा अभी पक्का, क्योंकि इसके ग्राफिक कार्ड हो चुके हैं खत्म। तो एक काम करते हैं, पहले सो के आ जाते हैं ठीक है, उसके बाद कल मॉर्निंग में आके थोड़े से ग्राफिक कार्ड और लेके जाता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर अपना सेटअप तैयार करेंगे। फटाफट चलते हैं घर पहले, कहाँ गया घर का रास्ता। ओके तो अभी ना मैं सो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को आ रहा है कि 4 घंटे वेट करना पड़ेगा तब जाके मैं सो सकता हूँ। अभी थोड़ी सी किस्मत अपना साथ दे ही नहीं रही है। मतलब मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा अपने रिग बाई कर लूँ, बिल्ड कर लूँ, और वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो अभी जो बचा हुआ है हमारे पास, जो भी चीज़ें हैं, उसी से अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं ठीक है। बाकी थोड़े बहुत अर्निंग मैं कर लूँगा तब तक, ताकि मैं ज़्यादा बाई कर पाऊँ। तो माइनिंग वाला मेन काम करना था वो आज हम लोग कर, अभी सेकेंड फ्लोर में कहाँ आ चुका हूँ, दिमाग भी काम कर रहा है, बंद करने लग गया धीरे धीरे। ये देखो कस्टमर $420 खर्च करके यहाँ से बिना पैसे के भागने की सोच रहे हैं। तो एक काम करते हैं, माइनिंग वाला पार्ट अगर मेरे को ऊपर ही करना है, तो सबसे पहले इसको ना ऊपर ही लेके चल रहा हूँ मैं। ऊपर हमारा माइनिंग वाला सिस्टम रहेगा तो सही लगता है, मुझे लगता है कि बढ़िया लगेगा एक कॉर्नर पे ना। तो मैं इसको रखता हूँ पहले यहाँ पे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और एक बार इनको अप्रूवल दे दूं ठीक है, अभी जाना सही है। तो मैंने उनको सेटअप कर दिया और वो अच्छे से काम करने लग गए। बस मुझे दूसरे वाले में, जो थर्ड वाला हमारा आज माइनिंग रिग है, उसमें सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा लगाना है, तो मैं ग्राफिक कार्ड बाय करने वाला हूँ। तो अब जाके मुझे लगता है हमारे 3 माइनिंग रिग प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे ग्राफिक कार्ड और सब कुछ एकदम सही तरीके से। मैं सो रहा हूँ ना तब भी मेरा कैफे चल रहा है, ये चीज़ मेरे को बड़ी सही लग रही है, मतलब एम्प्लॉय हायर करने का फायदा हो रहा है, 24/7 चल रहा है हमारा। अभी फटाफट से इनको लगाता हूँ, तो लास्ट ग्राफिक कार्ड है। और अब जाके मैंने ऐसे रख दिए इनको, मैं यहाँ पे ना बहुत सारे माइनिंग रिग रखने वाला हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि चल रहा है क्या। ओके चल रहा है, तो सारे के सारे चल रहे हैं, यहाँ पर रनिंग है। अब देखते हैं कि 3 लगा के कितना फायदा मिल रहा है मुझे। एक सेकंड, मुझे लग रहा है बिना पैसे दिए जाएगा इसके तो एक मैं भी मारता हूँ, इसके एक मैं भी मारूंगा। मार दिया, ओके पहले ही मार दिया, इसको मारूंगा, बहुत देर से इसको मैंने मारा नहीं। ओके ओके डंडा इधर ही रख देता हूँ। मैं अपना फ़ैन भी बेचने जा रहा हूँ उसी बंदे को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ़ैन कहीं से भी अच्छा लग रहा है हमारे कैफ़े में। तो इसको बेच के मैं कुछ और, मैं एसी बाय कर लूँगा बाद में, अभी तो नहीं बट बाद में। अभी मुझे लगता है कि माइनिंग रिग तो चल जाएंगे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने चेक किया ही नहीं कि कितना आ रखा है। और अभी माइनिंग रिग तो ओके माइनिंग रिग तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अलावा एक और बाय कर पाऊँगा, बट मैं एक सिस्टम बिल्ड करने वाला हूँ ताकि मेरा कैफे थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखे। और यहाँ पे ये सारे के सारे चल रहे हैं ना, तो अभी मेरे पास पैसे तो हो चुके हैं, मतलब मैंने सेल करके 6,500 जितने मुझे लगता है कि होंगे, ज़रूरत पड़ सकती है उतने तो हो चुके। तो मैं एक और सिस्टम बाई करने वाला हूँ बढ़िया सा, जैसा मैं नॉर्मली बाई कर रहा हूँ। एक और बंदा जा रहा है बिना पैसे का, पिटेगा। ओके तो मैं एक और सिस्टम फटाफट से बाई कर लेता हूँ, उसके बाद से इसको सेटअप करके मुझे लगता है कि फिर हम देखेंगे बाद में माइनिंग रिग खरीदने का, या फिर थोड़ा बहुत अपना जो कैफे है उसको अच्छा बनाने का। लाइटिंग मुझे लगानी है, एसी लगाना है। अभी तो खैर किसी की कंप्लेन मैं देख ही नहीं, मैं कंप्लेन ही नहीं देख रहा हूँ कस्टमर की, ऐसा तो मैं मतलब यहाँ पे ओनर हो रखा हूँ कि कंप्लेन चेक ही नहीं कर रहा हूँ किसी को, कोई कंप्लेन है या नहीं जो मुझे करना चाहिए। ओके एक माउस बाई कर लेते हैं ये वाला। तो ये लास्ट वाला सिस्टम भी मैंने सेटअप यहाँ पर कर लिया है, और अब अपने पास हो चुके हैं 4 एक बेहतरीन वाले एकदम गेमिंग पीसीज, और मतलब पूरा गेमिंग सेटअप तैयार है यहाँ पर। देखो इसको तो मैंने माउस पैड भी दिया हुआ है, ये एक रखा हुआ है, ये एक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है और ये रखा हुआ है। बाकी जैसे जैसे ज़्यादा होंगे ना, उसके बाद से अच्छे तरीके से इनको मैं मैनेज करके रखने वाला हूँ। ये बंदा भागेगा मुझे पक्का लग रहा है, ठीक है देखते हैं।
एक अरे ओके 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 यार बेचारा ऐसे नहीं भागा था, मैंने उसको अप्रूवल ही नहीं दिया तो कैसे कैसे काम करेगा। तीन घंटे के लिए आ रखा है, एक और बंदा आने वाला है उसको भी पहले अप्रूवल देते हैं। ओके ये भी अप्रूव हो चुका है। तो ओके तो आज अपना कैफे थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है, मुझे पेंट करना है, मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम करना है, अभी बस मेन फोकस अर्निंग पे है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही, ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके माइनिंग रिग बाय कर पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़ा हम अपने कैफ़े को बना सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारा कुछ अपग्रेड कर चुका हूँ। ये बंदा बिना पैसे के जाएगा, पक्का जाने वाला है। हाँ जा रहा है, कोई बात नहीं, देख लेगा बंदा उसको। नहीं नहीं मुझे लग रहा है इसकी वजह से जा रहा है। अभी मैं छोड़ क्यों दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अपग्रेड वाली जो बात आती ना, ऑलमोस्ट सारा कुछ अपग्रेड कर लिया है अप स्टेयर में। ओके अप स्टेयर में और चीज़ें बाय कर सकते हैं, अभी तो पैसे नहीं है। हाँ तो मतलब बहुत बड़ा बना सकते हैं यार कैफ़े को, बहुत सही हो रखा है। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड कर लेना चाहिए यहीं पे। एंड आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।